नैना ने की लाइव, देते हैं इसको थोड़ा सा डोज। Hi guys, how are you? Assalamu alaikum. I hope it's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming, new person, my home. Brother, sister, girl, boy and everyone. Thank you so much. Welcome my heart, my beautiful YouTube family. सुनते हैं नैना की हो रही है लाइव। लाइव लाइव में वो किसको क्या टारगेट कर रही, चलते हैं और सुनते हैं उसकी लाइव। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं अपने लिए बोलूंगी, सच में मतलब मैं तंग आ गई हूँ। मिस मरियम मुझ पर इल्जाम लगाएंगी, शबनम आके मुझ पर इल्जाम लगाएगी, तो सॉरी टू से मैं चुप थी। मैं अपने भाई की वजह से चुप थी, दिलबर की वजह से। दिलबर ने मुझे कसम दी थी, कहना तुमने अब नहीं बोलना। मैंने बताया था आप लोगों को मैं चुप हूँ अपने भाई की वजह से, वरना मैं किसी के बाप से नहीं डरती, डर सिर्फ खुदा का। अगर ये जो आज आके आप मरियम साहिबा, आप आज आके जो इतनी बातें करके गए कि आपके पास चैटिंग है, तो प्लीज अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करो, क्योंकि मेरा उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोग खुद गंदे होगे और आप लोग को सब सच दिखेगा। अल्लाह करे आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग लगाओ। अगर हिम्मत है, अगर एक माँ की औलाद हो तो आज लगा देना, ठीक है? मैं तंगा कि तुम लोग मुझे किस चीज का, तुम लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हें ये पता है। और तुम और जो जो ये बातें करे, तुम सबको पता है कि किसकी गलती है और कौन बेगुनाह है और कौन सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, और तुम लोग मुझे इतना मुझे तंग करोगे, और तुम लोग को लगता है मैं चुप रहूंगी अब। तो बस सही है, फिर तैयार रहना, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ। मुझे अपनी महान बनना, बस ना मैं अब किसी फोन कॉल उठाऊंगी जो मुझे फोन कॉल उठा के मुझे इमोशनल ब्लैक। मैं सिर्फ ये सोच के चुप हूँ कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो, मतलब छोड़ दो। मुझे पता है ये किसके कहने पे हर एक चीज होती है, कौन करवाता है, किस तरीके से बात होती है, मुझे सब चीजें पता है मरियम। तो मुझे बच्चा, मैं भी तुम लोग के साथ थी उस टाइम जब सब चीजें होती थी। मुझे बच्चा मत समझो, इन्हें कोई बच्चा समझ सकता है? कोई भी नहीं। अभी बहुत आग भगोला है ये, जी जी जी, इतनी आग भगोला है ये, तो बाय, बाल तो उजड़े पड़े हैं इनके बिल्कुल। और जो मुझे फंड मिला ना, अगर तुम एक बाप की औलाद हो, सिर्फ उसके लिए एक प्रूफ ला के दो, ये बातें नहीं, प्रूफ ला के दिखाओ, तब मान जाऊंगी। चलें जी, धमकी मिल गई अभी है, एक बाप की औलाद हो तो प्रूफ ला के दिखाओ। वाह, क्या कहने, लगा दे लाए। मैं तो चाहती हूँ लगाए, मैं सच में मैं बहुत खुश होंगी इस चीज पे, क्योंकि उस पर उनका ही मुंह काला होगा। चले जी, जिसका अपना मुंह काला है नैना का, ये अब दूसरों का मुंह भी काला करेंगी। चले, मैं बस इतना कहूंगी, प्राइवेट्स में जो भी बातें होती है वो तो बंदा सच करता है, वो कोई झूठ नहीं होता। तो फिर सही है, आप लोग लगाओ वो सब चीजें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग लगाओ। और जो ये फंड की बात कर रहे हो ना, उसका भी लेकर प्रूफ लेकर आओ। तो तुम लोग कहते हो ना कि ये प्रूफ झूठा है, ये प्रूफ ये है, तुम जाके सच्चा प्रूफ ले, तुम तो सच्ची औरत हो ना। देखिए गाइस, सच सच होता है, तड़पी ना, पता लग गया भाई क्या किया जी। पूरे एक साल से मैं सॉरी करती आई हूँ। क्यों सॉरी कर रही थी? क्योंकि मुझे मुझे किस तरीके से तुम लोगों ने इस्तेमाल किया, मैं मुझे सरनाबाजी ने इस्तेमाल नहीं किया, मैं कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि उसने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। पहली बात, मुझे किस तरीके से तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो? कौन इस्तेमाल कर रहा है सलमा के सिवा इसको? उसी के लिए बोल रही। क्या चाहते हो इस हालत में, क्या करना चाहते हो? कौन सी हालत? प्रेग्नेंट नहीं है, कभी बोलते हो। तुम लोगों ने ही मुझे मैसेज किए थे, ठीक है, कि तुम्हारे सपोले पैदा होंगे। जब उसका बात का मैंने रिप्लाई किया, क्योंकि मैं हर्ट सही पे, मैं और क्या करूं। और ये सब बातें तुम लोग क्यों करते हो? इसलिए ना, क्योंकि जो रिएक्शन वाले बोलेंगे, जो जो ये सो कॉल्ड ये बोलती है, झूठे आके बातें करे, तुम लोग उसी बात पे यकीन करके तब बोलते हो ना। बहुत आग बोल रहा है भाई, बहुत आग बोल रहा है, इसको चिलो चिलो नहीं चाहिए। मैं रिपोर्ट्स दिखाऊंगी मेरे प्रेगनेंसी की, ठीक है? और फिर जो 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 बकवास कर रहे हो वो भी लात पड़ जाएगी। अरे पाकिस्तान में तो पैसा देके सब कुछ हो जाता है, बीबी किधर बैठी हुई है, झूठो झूठ। अल्लाह ना करे मेरी सलानती और लात की वजह से मेरा मिसकैरेज हो, और ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि मैं अपने बीबी के बहुत ख्याल रख रही हूँ, और मैंने उसके लिए जो मैं टैबलेट्स ले रही हूँ उससे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह मुझे, और तुम लोग की ये घटिया बातों से तो कभी भी नहीं होगा। तेरी बात, मजबूत काम करवाया है तो मिसकैरेज कैसे हो सकता है? बहुत मजबूत काम है, सारी बात है। सोडिया से जो आई है, तुम लोग रिपोर्ट्स बनवाते हो अपनी। देखो जो बातें मैं कर रही हूँ नीचे लाइव में, लोग उसको वही बोल रहे हैं। देखो
देखो एक इंसान के बर्दाश्त की होती है मेरी हर एक चीज को, इस तरीके से इन लोगों ने खिलौना बनाया हुआ है, जैसे कि मैं इनका बलि का बकरा हूँ, वो जब भी चाहेंगे लोग जबा करेंगे, जब भी चाहेंगे बोलेंगे सॉरी बोलो, वर्दा कहते हैं ना सॉरी बोलो, सैम कहते हैं ना सॉरी बोलो, ना सॉरी बोलिए, कोई उठ के आगे कह रहे सॉरी बोलो, मुस्लिमा को सॉरी, इसको सॉरी, उसको सॉरी, किस किस को सॉरी कहूँ, इंसान हूँ मैं, क्या किया मैंने तुम लोगों के साथ? अच्छा पता लगा, ये इंसान है। मेरे साथ क्या किया तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग बहुत अच्छे हो और तुम लोग सबको पता है कि तुम लोग कैसे हो और मैं कैसी हूँ, ये तो सबको पता है, सब लोग सब जानते हो कैसे तुम लोग जालिम लोग हो। सबसे बड़ी जालिम ये और सलमा, उसके बाद फिर दूसरों का नंबर आता है। तो जी यहाँ पर ये पागल हो चुकी है और इसने अभी लाइव इसकी भी स्टार्ट ही है, तो मैंने कहा चले जी आप लोगों को जरा गरम गरम न्यूज दे देते हैं, क्योंकि आइए लाइव के ऊपर बैठी और इसने बातचीत शुरू कर दी है सलमा के लिए। सलमा ने इसको भेजा, ठीक है जी, कश्मीर जो हुआ क्या नहीं हुआ, बेडरूम से इसने बात की सलमा को, झूठ बताया, हाँ मैंने देखा, हाँ ये हुआ, हाँ फलान हुआ, हाँ ढींग हुआ, उसके बाद ये गेम शुरू हुआ। फिर जब पैसे की बात आ गई, पैसा ऐसी चीज है, पैसे से कुत्ती शय है कि उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और आप लोग देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, आप लोगों को पता है। अब ये जब बंदी पकड़ी गई है, अब इसको ये है कि यार ये कैसे हो सकता है, जो सलमा के साथ बंदे थे वही लाके कट्टा चट्टा मेरा खोल रहे हैं, मैंने जो अपनी खाला की तस्वीरें उसकी टिकटॉक से निकाल के या उसके कैमरे से लेकर या इस तरह करके जो भी चीजें निकाली, लोगों को दी, हर एक को दी, जाशाह को दी, मतलब बहुत कुछ कांड इस औरत ने किया, जहां पे ये कहती है कि तुम लोग मेरे पीछे पड़े। भाई तुम्हारे पीछे ना पड़े तो किसके पीछे पड़े, तुम जैसी गंदी औरत जो इस दुनिया में आई हो और आकर फसाद डालवाई, फसादा नहीं एक नंबर की, इसने अपनी खाला की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, किसके पीछे लगकर, बड़ी सलमा के पीछे, बड़ी खाला के पीछे लगकर पाकिस्तान का नामो तबाह बर्बाद इस औरत ने कर दिया। आती है अभी, इसने खुद कहा, इसने खुद तस्लीम कर लिया कि जी मैं तो सलमा, आप लोगों ने सुना होगा कि भी सलमा भी अगर मुझे फोन करेगी तो मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन मैं उसकी भी अभी नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं थक गई हूं, हक गई हूं, परेशान हो चुकी हूं लोगों की बातें सुन सुन के, उनको जवाब दे दे के। तो अभी सलमा की भी नहीं सुनेगी, क्योंकि सलमा ने जिससे और वादा किया था पैसे देने का, वो पैसे इस तक अभी तक नहीं पहुंचे, इसलिए आग बोला हो गया आज ही आगे बैठ गई लाइव करने के लिए। ये क्या हो गया भाई, और ये क्या हो गया, ब्यूटी वाली ने तो आके सारा भांडा फोड़ दिया, उन चीजों को लाकर सामने रख दिया, भाई इन्होंने इतना डोनेशन लिया, इन्होंने इतना पैसा खाया, सलमा ने पैसा खाया, इसलिए तो अब देखो वो दोबारा से जवान हो गई, अपने साथ से थोड़ा पैसा उसने ससुर को भी दे दिया, ससुर भी जवान हो गया। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, इसमें वो झूला झूल रहा था, है ना, तो ये है सारे तमाशे। वहां पे असगर वो उसके कपड़े बेच के खा गई, इसलिए वो बेचारा बनैन के अंदर आ गया। वो तो क्या सारा तमाशा पैसों का था, फेम का था, और दूसरी बात यह कि सितारा को मरवाने की जो कोशिश की गई थी और की जा रही है, वो इसलिए ताकि जो सितारा है उसको इतना फेम मिला है, उसको इतना पैसा, वो कमा रही है, सब कुछ करी, क्यों करी ना करे, इसलिए उसके पीछे जो कुछ गुंडों को, कुछ लोगों को लगा दिया गया है, खुदा ना खास्ता कि उसको जो है वो नुकसान पहुंचाए। तो हम सितारा के लिए ही दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे सितारों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखना, उसको बचा के रखना इन जालिम लोगों से, क्योंकि ये हसरत इतने मारे हुए हैं कि अपने आप को ये लोग नहीं देख रहे कि हम लोग क्या करें। लेकिन एक औरत जिसको अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है, जो सीढ़ियों दिन पर दिन वो ऊंची जाई जा रही है, लेकिन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हाँ भाई इस बंदी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, गाड़ी ले लिया है, घर बनवा रही है, जमीन ले लिया, बच्चों के लिए सोच रही है, वेकेशन पे जाती है, पिछले साल वेकेशन पे गया फिर दोबारा चली गई, तो सब चीजें वो हैं। अब जो नैना पागल होकर लाइव बैठकर कर रही थी और कह रही थी, और जो कह रही थी अपने एक बाप की हो तो मुझे लाकर सबूत हो, तो मरियम आपके पास कुछ भी ऐसा है ला के इसको डालो और इसको दो छतरो और इसको बताओ, ये जब अपने बच्चे का भी वो इस्तेमाल करिए ना कि जो मेरी हालत है इसको कुछ भी ऐसा होगा तो मेरा जो है वो अबॉर्शन हो जाएगा या मेरा मिसकैरेज हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, तो ये मैं सारी चीजें ला के सितारा के स्पोर्टरों के ऊपर डाल दूंगी कि ये लोग आते थे मुझे लिखते थे, मुझे परेशान करते थे, मेरे ऊपर कीचड़ उछालते थे जिसकी वजह से मेरा अबॉर्शन हुआ। लेकिन इसने भी लाइव में बैठ के कह दिया, मैंने बड़ा पक्का काम किया, बड़ा बच्चे का ख्याल रख रही, जारी बात है सऊदीया से आई है, बड़ा पक्का काम करके वहां से आई है, यही बात है। इनका एक्स हस्बैंड वो भी इनके साथ, इसका भी नाम वाम भी चेंज पेपरों में करवा कर बू कर आ चुकी है ये। तो अब यहां पे अब ये देखना है कि जब ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि इसने सितारा की तो सब चीजें दुश्मनों को दी, अब वही दुश्मन इसके खिलाफ खड़े हो गए, वही दुश्मन बोल रहे हैं भाई इसने पैसा खाया,
वही दुश्मन कह रहे अपनी खाला को नंगा किया, वही दुश्मन कह रहे कि खाला की बच्चियों तक को इस औरत ने नहीं छोड़ा, तो फिर अल्लाह तो बैठा हुआ है, अल्लाह तो देख रहा है। अब जो इसने सब कांड किया है सितारा के साथ, वही सलमा के बंदे उठकर जो सितारा को बदनाम कर रहे थे, वो अब इसको बदनाम करे जो इससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए चुड़ैलों की तरह आकर सामने बैठ गई, बाल खोल कर बैठ गई, देखो मैं पागल हो चुकी हूँ कि लोग मेरे ऊपर इस तरह की बातें करें जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर तुम लोगों के पास कोई भी सबूत है, प्रूफ है, कुछ भी है, तुम लोग लाओ डालो, मैं थक गई हूँ, मैं हक गई हूँ, मैं मर गई हूँ, मैं लुट गई हूँ, तो हम यही कहेंगे बेबो चिल्लो चिल करो। और अब जो तुमने बीज बोया था वो पौधा ग्रो होने लग गया और वो तुम्हारे ऊपर ही सब चीजें जाएंगी जो तुमने कीचड़ उछाला था सितारा के ऊपर, अपनी खाला के ऊपर, वो खाला जो जान से भी ज्यादा इससे प्यार करती थी, इसको अपने घर में रखा, इसको खिलाया पिलाया, इसका यूट्यूब चैनल बनाया, इसको यहां से लेकर ऊपर तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अपनी खाला की दुश्मन बन गई। किसके पीछे लग गए, सलमा के पीछे। सलमा को अपना चैनल ग्रो करना था, उसने इसके साथ हाथ मिलाया, शेक हैंड किया, आधे पैसे तू खा आधे पैसे मैं खाती हूँ, सितारा को बदनाम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, और उसके साथ साथ हमारे चैनल भी ग्रो होंगे, सितारा भी नीचे चली जाएगी और हम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सितारा जहाँ की जहाँ थी अल्लाह ने उसको और इज्जत दी। ये दोनों बंदियां दिन पर दिन नीचे जा रही हैं, इन्हीं के पोल खुल खुल कर सामने आ रहे हैं, कट्टे चट्टे खोल रहे हैं, इन्हीं के ही सपोर्टर। तो चले जी, आज की तो यही अपडेट थी, ब्रेकिंग न्यूज था, रिव्यू था, जो आपके साथ शेयर किया है। आइए नेक्स्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज और रिव्यू के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।